हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था, पिछले वीडियो में हमने लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ चुके थे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डैशबोर्ड है इस पे सब अननेसेसरी चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और एक डैशबोर्ड को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या यहाँ पर रखना है और किसको रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए 256 रिवेन्यू लिखा, इन सबको मैं हटा के अपने अकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट और हमें अगले नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये डैशबोर्ड का पेज है हमारा, और जो कि यहाँ से हमें जो है कि यहाँ से हमें सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट कोरोना ई कॉमर्स ये आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले मैं इसको सेट करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम। ये देखिए हमारा ये डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर ये सारे हमारे लिंक आ रहे हैं। ठीक है, ये LI के अंदर है और इन सबको मुझे हटाना है। जैसे ये है कोरोना होगा और ये डिफ़ॉल्ट होगा, इन सबको मुझे हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट है। ये हमारा UL है डैशबोर्ड, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये पूरा हमारा सेलेक्ट है, तो इसके अंदर की चीज़ें के हमें निकालना होगा। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ यहाँ UL के अंदर, ये है हमारा कोरोना ई कॉमर्स, ये जो आपको दिख रहे होंगे कोरोना ई कॉमर्स, ये सारे यहाँ से हट जाएंगे। तो इसको मैंने क्या किया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। और ऐसे ही अब देखिए हमारा से यहाँ डैशबोर्ड ही बचेगा। ठीक है, ये हमारा LI यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए कोरोना ई कॉमर्स क्रिप्टो ये सारे हट जाएंगे, यहाँ से हमने हटा दिए। ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम UL LI में सेट कर लेंगे। अब ये देखिए इसको भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब लेआउट्स है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, LI को यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, ये आ गया एडमिन पैनल, यहाँ देखिए अभी आपको दिखेगा ये एडमिन पैनल। ठीक है, अब ये वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे इसको रखूँगा, और ये जो फॉर्म डेटा है इसको मैं हटा दूँगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलते हैं फॉर्म डेटा पे। ठीक है, ये जितना LI के अंदर होगा, ठीक है, इनको हम हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचा है। ठीक है, ये हमारा एडमिन पैनल हॉस्पिटल, और इसके अंदर से हम सारी चीज़ें हटा देंगे जो हमें ज़रूरत की नहीं है। ये देखिए एडमिन पैनल के अंदर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर डैशबोर्ड डिपार्टमेंट, डैशबोर्ड हॉस्पिटल के अंदर डैशबोर्ड डिपार्टमेंट मेंबरशिप, यह मेंबरशिप मैं इस LI को हटाता हूँ, इसको मैंने हटाया, इसको भी हटाया, ये सब हमें ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हटाते चल रहे हैं, ताकि आप भी जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको रखेंगे और बाकी सबको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे बचे हैं यूजर एडिट अकाउंट सेटिंग, देखते हैं हम। ठीक है, इतना तो हमें चाहिए ही, इसके क्लिक पे हम बाकी क्लिक करके बनाते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वोटिंग प्रिंटिंग और फाइल मैनेजर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। देखते हैं, या तो फिर और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, वोटिंग मैनेजर है, ये काम कर सकते हैं इसे हम, यहाँ पे एक लॉगआउट का भी बना देते हैं। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉगआउट दे दिया, और यहाँ पे हमारा आइकन जो है
ठीक है, लॉगआउट का, ठीक है, लॉगआउट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा साइड न्यू लॉगआउट दे देता हूँ, देखते हैं ये आइकन आता है या नहीं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा इसे नेट से, नहीं आया, तो इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये हमारा लॉगआउट हो गया, और यहाँ से जो न्यू लिखा है इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, कंट्रोल एफ लॉगआउट। ठीक है, लॉगआउट पे जो न्यू आ रहा है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, इसको मैंने अभी रिफ्रेश किया, ये हमारे लेफ्ट मेन्यू में जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं यहाँ राइट साइड में, ये देखिए ये हमारा जो आइकन आ रहा है नोटिफिकेशन, हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे, इसको मैंने हटाया, ये देखिए ये भी हमारा हट गया, और ये हमारा नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं यहाँ पे कॉमन में लेफ्ट मेनू और हेडर पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेफ्ट मेनू में ये देखिए यहाँ पे हमारा एडमिन का नाम आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, मैं इसकी जगह कॉल करूँगा ये जो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंडी लिखा हुआ है, मैंने कंट्रोल एफ किया, इसको फाइंड आउट किया, ये जो नेम आ रहा है यहाँ पे मेरा एडमिन का नाम आ जाएगा जो भी लॉगिन होगा। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए आ गया रिएक्ट एडमिन, और यहाँ से लॉगआउट का ये जो आइकन है इसको हम देखेंगे बाद में, लोगो यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे लॉगआउट हो गया, लॉगआउट का बटन हो गया, लॉगआउट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये काम करते हैं, ये देखिए हमारा लॉगआउट का है, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एफ लॉगआउट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके जो हमारा ये एंकर टैग है मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉगआउट, देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे भी लॉगआउट का आइकन आ चुका है, हमारा यहाँ पे लिंक लग गया है, लॉगआउट करेंगे तो हम एडमिन से लॉगआउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, और ये जो बीच वाला सेक्शन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अर्न दिस मंथ, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, इस क्लास को लेंगे, ये क्लास जो सेक्स की है इसको मैंने हटा दिया, और ये भी सेक्स की, देखते हैं, ये देखो दोनों हट चुके हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है, ये देखिए अभी हमारा दूर रह गए, इसको भी हमें रिमूव करना है, यह है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाद मंथली, तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको फाइंड आउट किया, ये हमारा है प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा मंथली, इसको मैंने रिमूव किया और इस सेक्स को पूरा मैंने रिमूव किया और ये पोल को मैंने रिमूव किया। ठीक है, तो ये हमारा हट जाना चाहिए, देखते हैं, ठीक है, ये पूरा हमारा अब हट चुका है। ठीक है, ये सारा हमारा हट चुका है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट मेनू है इसको हम अलग करेंगे, और ये जो हमारा राइट साइड में है इसको हम अलग करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे चलेंगे,
ये देखो लेफ्ट साइड वाला हमारा हट चुका है, तो ये हमारा क्या होगा, ये लेआउट कंटेनर हो गया। इसको हम उठा के यहाँ से पूरा क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में रखेंगे। चलते हैं हम कंट्रोलर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोलर पे चलेंगे। ठीक है, ये देखो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में हमारा क्या होगा, ये हमारा हेडर हो गया, हेडर के बाद हमारा लेफ्ट मेन्यू आएगा। ठीक है, और लेफ्ट मेन्यू हम क्या करेंगे, एक कॉमन के अंदर हमारा व्यू के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कॉमन के अंदर एक हमारा लेफ्ट मेन्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट मेन्यू को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट लेफ्ट मेन्यू को हम यहाँ रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको हेडर के जगह हमारा कॉमन के अंदर लेफ्ट अंडरस्कोर मेनू। ठीक है, यही हमारा पेज लेफ्ट अंडरस्कोर मेनू। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, इस पे चलते हैं और इसको मैं कमेंट कर दूँ तो नहीं आना चाहिए हमारा लेफ्ट मेनू। ठीक है, ये देखो लेफ्ट मेनू हमारा गायब हो गया, मेरा मतलब है कि हम इसको लेफ्ट मेनू। अभी देखिए सबसे ऊपर डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा हेडर है, फिर उसके बाद लेफ्ट मेनू है, फिर डैशबोर्ड का पेज है, फिर फुटर है। ठीक है, अब इसी के ऐसे ही हम हर एक कंट्रोलर पे हम ऐसे पेज को कॉल करेंगे, हम वहाँ पे कॉमन में इंक्लूड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोलर से ही मैनेज करेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, लेफ्ट मेनू, राइट मेनू, जो भी पेज बनाने हैं हम इसी कंट्रोलर से ही उसको कंट्रोल करेंगे, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट मेनू। ठीक है, हमारा लगभग डैशबोर्ड यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा 256 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा लेफ्ट मेनू पे ही मिलेगा हमें, सॉरी राइट साइड में मिलेगा, यानी कि डैशबोर्ड पे मिलेगा। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे जो हमारा काउंट हो रहा होगा आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे ये 256 है, ये हमारा का रिवेन्यू और टू डेज लिख के आ रहा है, रिवेन्यू और टू डेज। तो हम रिवेन्यू के जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमारा बैनर हो जाएगा, जो हम एडमिन में बैनर डायनेमिक करेंगे इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बैनर हो जाएगा, यहाँ पे जितने काउंट होगा हमारा, जितने बैनर डायनेमिक ऐड होंगे तो उनकी वैल्यू आती रहेगी। मान लो हमारे यहाँ पे 5 बैनर हम जो कि एडमिन से मैनेज किया, ये अभी हार्ड कोड है, वो डायनेमिक हम काउंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मेनू आ जाएगा या कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैटेगरी आएगी या मेनू आ जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहें, यहाँ पे जिस टाइटल जो रखेंगे वो आ जाएगा, यहाँ पे हमारा लिंक लग जाएगा। ठीक है, ये स्टॉक आ रहा है, इसको हटाइए, हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी आ जाएगा 23, जितनी भी कैटेगरी हमारी होंगी वो आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कैटेगरी। ऐसा कर सकते हैं, मैं उल्टा कर रहा हूँ, ये काम करते हैं, ये जो हमारा कैटेगरी और मेनू है यहाँ पे आ जाए और हमारा काउंटिंग यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे करते हैं, और हमारा देखते हैं ये सही रहेगा। ठीक है, कैटेगरी को हम थोड़ा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ जाए, यहाँ काउंट आ जाएगा, ये जो हमारे आइकन्स हैं ऐसे हम देख लेंगे फिर आगे क्या करना है। ठीक है, तीसरे पे हमारे आ जाएंगे, जैसे टूर के पैकेज हैं तो हमारे आ जाएंगे, पैकेज आ जाएंगे। पैकेज में आ गया हमारा 200 आ गया, यहाँ कस्टमर की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यू है या ओल्ड है वो जो भी जैसा भी रहेगा हम देख लेंगे। ठीक है, अब हमारा पैकेज के बाद आता है ऑनलाइन, हमारा आता है कॉन्टेक्ट अस, जो हम लोग फॉर्म पे कॉन्टेक्ट अस करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दिखता रहेगा।
ठीक है, जो हमें ऑनलाइन फॉर्म भर के कॉन्टेक्ट करेंगे, तो उनमें कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन इंक्वायरी जितनी आएंगी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा डैशबोर्ड लगभग तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमें जो ज़रूरत पड़ेगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है अपना डेटा को रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो S2 है इसको हम H4 कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा फॉन्ट जो है छोटा हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा फॉन्ट कितना छोटा हो गया। ये देखिए ये सही रहेगा, अभी हमारे क्या है कि बहुत बड़े आ रहे हैं, तो हमें यानी मैंने यहाँ पे एक सिमिलरिटी हो जाएगी H4, ठीक है। ये भी हमारा जो H2 है इसको मैंने H4 कर लिया, और यहाँ पे भी कैटेगरी पे भी H2 जो कि हेडिंग हमारी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ठीक है, ये हमारा हो गया डैशबोर्ड लगभग तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। तो हम चलते हैं, ये हमारा लेफ्ट मेन्यू पे मिलेगा डैशबोर्ड, हमारा डैशबोर्ड ये है। तो यहाँ पे हम देखिए URL कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने कॉपी किया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारा एंकर टैग है, यहाँ पे मैंने लगाया और इसको बोल दिया ये जो हमारा कंट्रोलर है, ये जो हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, मैं क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिए देखिए यहाँ पे एंकर टैग लग चुका है, देखिए मैंने क्लिक किया तो इसी पेज पे आ गए। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लॉगआउट है, लॉगआउट पे हम क्या करेंगे आइकन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये आइकन्स का नाम है इसमें, जो है कि ये हमारा होगा LNR, और जो है कि LNR डैश पावर स्विच ITCH, ठीक है। ये हमारा INR जो है कि एक बूट स्ट्रैप है, हमारा जैसे फ़ॉन्ट ऑसम होता है वैसे ही एक इसकी भी लाइब्रेरी है, CDN है, मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है। इस थीम के साथ हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए लॉगआउट का हमारा आइकन आ गया। अब ऐसे हमें काम करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे सब बहुत सारे लिंक हैं लेफ्ट में, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। और ये हमारा डैशबोर्ड लगभग तैयार हो गया है, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड लगभग तैयार हो गया है, और बाकी हम बाद में लिंक एक एक करके लगाते चलेंगे। जैसे हमारे मॉड्यूल कंप्लीट होते जाएंगे एडमिन के अंदर, वो हम जो है कि यहाँ पे एक एक जैसे बैनर का हो जाएगा तो हम बैनर में, कैटेगरी हो जाएगी कैटेगरी में, यहाँ पे लिंक करेंगे और यहाँ पे काउंट भी दिखा देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे है हमारा हॉस्पिटल आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कोई और नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारा जैसे प्राइसिंग है और वोटिंग है, प्राइसिंग की जगह हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं प्राइसिंग की जगह हम क्या करते हैं जनरल सेटिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल सेटिंग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेंज पासवर्ड।
हमें एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है तो उसको भी देखेंगे। फिर काम करते हैं, जो न्यू आ रहा है उसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और एक यहाँ पे है, तो ये हमारा एल आई है, यहाँ पे एल आई क्लोज हुआ और एक एल आई हमारा यहाँ पे लॉगआउट का क्लोज हुआ। ठीक है, चेंज पासवर्ड को हम जनरल सेटिंग के बाद रखेंगे, जनरल सेटिंग में वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा चेंज पासवर्ड, ये हमारा जनरल सेटिंग, और ये हमारा यूजर है। यूजर में हम यूजर को हम जब यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके पैनल आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक एक करके ऐड करते चलेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल आ रहा है, यहाँ हमारा हो जाएगा सर्विसेज। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर हमारा क्या आएगा, पहला हम यहाँ पे कर देंगे कैटेगरी, जब हम जो हम कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है, सर्विसेज के बाद हमारी हो जाएगी कैटेगरी। यहाँ पे अभी हमारा लिंक नहीं लगा है तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा कैटेगरी आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा पैकेज, जो हमारा ट्रेवल का पैकेज होगा, हमारा कैटेगरी पैकेज। हम यहाँ से पैकेज को ऐड करेंगे, कैटेगरी ऐड करेंगे, हटाना तो नहीं, हम इसको क्या करेंगे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने कमेंट करके रख लिया है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सर्विसेज, सर्विसेज में कैटेगरी पैकेज और यूजर में हम यहाँ पे यूजर ऐड होगा उसकी सेटिंग और जनरल सेटिंग। ये जो हमारा थीम है, ये हमारा एडमिन है, एडमिन में हम चेंज जनरल सेटिंग देखेंगे हम एक ही करके, और चेंज पासवर्ड में हम एडमिन का पासवर्ड चेंज करके देखेंगे। तो ये हमारा लगभग डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैटेगरी पे क्लिक करें तो ये कैटेगरी पे हमारा जो है कि यहाँ पे कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि हम मेनू में जो चाहे मेनू यहाँ पे बनाइए और जो है कि मेनू में ऐड करेंगे, हम फ्रंट एंड पे रिएक्ट पे कॉल करेंगे। तो हमारा चाहे कैटेगरी रख लीजिए चाहे आप मेनू कर लीजिए, दोनों बात एक ही है, तो वो हम देखेंगे एक एक करके। तो अब हम चलते हैं कैटेगरी पे। ठीक है, कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो हम उस पेज पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर पर। जैसे डैशबोर्ड है वैसे ही हम कैटेगरी के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आइए हम क्या लिखेंगे, पब्लिक फंक्शन हमारा क्या आएगा, कैटेगरी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये लगाना ही लगाना रहेगा, अगर यूजर लॉगिन है तब भी इस पेज पे आए, नहीं तो वो बाहर चला जाए। ठीक है, इसको आप देखिए, मैंने डैशबोर्ड में यूज़ किया हुआ था, इसको आप हर कंट्रोलर में कॉल करना होगा आपको। ठीक है, ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें हेडर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हेडर लेफ्ट मेनू, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब देखिए लास्ट में फुटर, लास्ट में क्या आएगा हमारा, फुटर, लास्ट में आ गया फुटर हमारा। ठीक है, अब बीच में जैसे ये डैशबोर्ड है ना, अब इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, लेकिन ये हमारा डैशबोर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कैटेगरी। कैटेगरी क्या होगा, वो हमारा पेज होगा, व्यू के अंदर हम एक पेज बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे के रखता हूँ, ये देखिए हमारा कैटेगरी। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी किया, अब हम यहाँ पे लिंक लगाएंगे, लेफ्ट मेनू में चलेंगे, ये जो हमारा सर्विसेज के बाद कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीएचपी, इसको मैंने बंद किया, अब यहाँ पे होगा हमारा इको बेस यूआरएल, और इसके बाद आप देखिए बेस यूआरएल के अंदर भी लिख सकते हैं और हम स्लैश बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बेस यूआरएल के अंदर ही कंट्रोलर को कॉल करना, दोनों तरीके हैं। आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसके बाद जो है कि आप यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे और इसके बाद आप लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर
क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर और स्लैश कैटेगरी, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे तो भी आप यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये हमारा कैटेगरी है, अब मैं यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको डाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम वेलकम कैटेगरी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्लिक करके, और इसको भी मैंने पेज सेव कर दिया है। ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सर्विस के बाद मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, ठीक है। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे डबल स्लैश लग गया। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा लेफ्ट मेनू है यहाँ पे हमें स्लैश नहीं लगाना होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया, मैं बैक जाता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ कैटेगरी पे, ठीक है। कैटेगरी के यहाँ स्पेल मिस्टेक है, कैटेगरी, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैक चलता हूँ, ये जो हमारा कंट्रोलर है कैटेगरी का, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है। मैं रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद चलते हैं कैटेगरी पे, ये देखिए हम कैटेगरी पे आ चुके हैं। कहने का मतलब है हम ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका ये है कि इसको उठाइए आप, इसको हटा दीजिए आप। हटाने के बाद इसके अंदर ही, बेस यूआरएल के अंदर ही हम ऐसे पास करेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेटर स्लैश कैटेगरी, ठीक है। तो ये हम देखिए हम यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, मैंने बैग आया, अब ये देखिए कैटेगरी पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए वहाँ पे आ गए। कर मतलब आप वैसे कीजिए या ऐसे कीजिए, ठीक है, ये हमारा कैटेगरी पेज पे आ जाएगा। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें हेडर मिल जाएगा, लेफ्ट मेनू भी मिल जाएगा, कैटेगरी पे हमें पेज बनाना है एक व्यू के अंदर, व्यू के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कैटेगरी, और ये हमारा फुटर जैसा है वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं व्यू में, व्यू के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर, व्यू के अंदर अब हम क्या करेंगे, व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एक पेज बनाया, इसे कॉपी किया और इसका नाम रख दिया मैंने कैटेगरी, ठीक है। ये हमारा आ गया कैटेगरी। तो अब ये देखिए हमने जो कंट्रोलर पे कॉल किया है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कैटेगरी, अब उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। ये जो हमने इको लगाया है इसको हम हटाते हैं हमें के लिए, ठीक है। अब हम ये देखिए हमारा है कैटेगरी, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा लेआउट कंटेनर चल रहा है, ठीक है। अब इसको देखो डैशबोर्ड पे तो बहुत सारा है, इसको हमें नहीं कॉल करना है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अब देखिए डेटा टेबल है, हमें यहाँ डेटा टेबल यूज़ करना है, वो तो किस लिए, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, जो डैशबोर्ड ही है उसी को हम कॉपी करते हैं, उसी को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कैटेगरी पे क्या होता है, देखो कैटेगरी पे भी हमारा डैशबोर्ड जो है कि आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे सेक्शन है सबको मैं एक एक करके हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम डेटा टेबल कॉल कर लेंगे बड़ी इजीली, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा आ रहा है हम इसको कस्टम, ये हमारा टास्क और कस्टमर डिटेल, मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा कस्टमर डिटेल है, यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया, और ये हमारा टास्क होगा, टास्क को भी मैं हटा दिया, ठीक है। ये हमारा रो, एक रो बन गया, ठीक है, रो बन गया। और ये जो हमारा स्टैटिक डेटा है इसको भी हम हटाते हैं, तो सबको हम हटा देंगे और इसके अंदर एक डेटा टेबल कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये हट गया, ये सारे डिव अभी हम एक एक करके हटा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, और उसमें हम डेटा टेबल सेट कर देंगे, ठीक
है, हमें कैटेगरी की भी ज़रूरत नहीं है अभी, सारी हमारी यूआई एकदम फिट हो जाएगी। इसको हम करते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड आ गया, मेन आ गया, ये हमारे दो रो हैं तो हमें एक ही रो चाहिए, इसको भी मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये हमारी रो हट चुकी है। अब ये देखिए, ये हमारा बैच गया डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड, लॉगआउट, और ये हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक सिंपल कैटेगरी का सिंपल पेज हो गया। ये देखिए, यहाँ पे सर्च है, इसको भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं। ट्रेवल एडमिन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो हमारा सर्च का जो एरिया है, ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया यहाँ से, देखते हैं। ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारा एचआर लाइन है, और ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। और यह है हमारा डी प्लस लेआउट कंटेनर, ये हमारा कंटेनर कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे। देखिए, ये है हमारा कंटेनर, अभी देखिए कंटेनर में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये है, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब इसको जो है इस रो के अंदर हम जो है रख देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे कैटेगरी पे हमारा ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे ठीक है, इसके अंदर हमने जो है कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस रो के अंदर नहीं, इसको मैंने जो है कि ये जो हमारी क्लास है, ये जो हमारा डेटा टेबल है, और इसको जो है कि मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ये कार्ड के अंदर, ये हमारा जो है कि लेआउट कंटेंट के अंदर। तो ये हमारा कैटेगरी का पेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो
इसको हमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेके इन सबको टी आर तक हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे डायनेमिक करना है। इसको मैंने हटाया, हम सिर्फ दो डेटा रखेंगे और जो है कि हम इसे वो देखते हैं, ठीक है, मैंने दो डेटा रखा और जो है कि इसको भी हटा दिया। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा फुटर में एक हमारी डेटा टेबल की स्क्रिप्ट होगी, डेटा टेबल डॉट जी एस, ये देखिए इसको हमें कॉल करना होगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, मैंने इसे कॉपी किया, इसके कॉमन में गया फुटर में, फुटर में अब हम इसे जो है कि यहाँ पे कॉल कर देंगे। देखिए एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं है। और एक हमारा है डेटा टेबल डॉट जी एस, इन दोनों को हम फुटर में जो है कि कॉल कर देंगे, ये देखिए, और उसका पाथ दे देंगे जैसा कि हमने वहाँ पे ऑलरेडी पहले डाल 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 दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एसेट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यहाँ तक स्लैश, ठीक है, और इसको ऐसे ही यहाँ से, ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया। और हमारी एक सी एस एस भी हो सकती है, तो देख लेते हैं डेटा टेबल की सी एस एस, डेटा टेबल ये देखिए डेटा टेबल की सी एस एस है। तो इसको हम जो है कि क्या करेंगे, हेडर में लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हम एसेट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर तक कॉल करेंगे और यहाँ एसेट्स के, ठीक है, ये हमारा ठीक है। ये देखिए हमारा डेटा टेबल काम करने लगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्च भी आ गया, ठीक है, देखो सर्चिंग काम करने लगा। और यहाँ पे हम उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं कि एक पेज पे कितने आने चाहिए, इसको हम डायनेमिक करेंगे, वो तो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो है कि ये हमारा कैटेगरी का पेज जो कि यहाँ से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे, चलो हम कर ही लेते हैं इसको, इसको क्या छोड़ना, टी बी एल अंडर स्कोर कैटेगोरी, ठीक है। इसमें हम जो है कि चार फील्ड लेंगे, कौन कौन से देखते हैं, ये देखिए पहला मैंने ले लिया कैट आईडी, वो भी इंटीजर रहेगी, और जो है कि ऑटो इंक्रीमेंट, और वो भी प्राइमरी रहेगी, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी। अब हमें यहाँ पे डाल देते हैं कैटेगरी टाइटल, ये वर्कर रहेगी, इसको हम क्या कर रहे हैं 250, और कैटेगरी हेडिंग इसको ले लिया मैंने वर्कर, इसको भी 250 कर दिया। यहाँ पे एक हमारा होगा कैटेगरी स्टेटस, वो ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, इंटीजर रहेगी हमारी 1, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये देखिए हमारी कैटेगरी आईडी हो गई, सॉरी एक कैट आईडी कर दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी एक सिमिलरिटी इसमें भी रखना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारी कैटेगरी आईडी, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, ये हो गया। और इसमें काम करते हैं, इसमें एक और फील्ड ऐड करते हैं, यहाँ पे क्रिएटेड डेट, ठीक है, क्रिएटेड डेट, डेट में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर,
देखिए हमारा कैटेगरी का हमारा टेबल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ऐड का बटन लगाएंगे और वहाँ से ऐड करेंगे और जो है कि और फॉर्म के थ्रू हम डेटा को यहाँ से कैटेगरी ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे और यही डेटा हम रिएक्ट पे कॉल करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, डेटा को सेव करेंगे और फिर हम जो कि रिएक्ट पे भी काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।